बदलते मौसम के साथ साथ लगातार हो रही बारिश के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। अस्पतालों में इन बीमारियों से परेशान लोगों के पहुंचने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरिया जिले में भी ऐसी ही स्थिति है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि प्रतिवर्ष आने वाली मौसमी बीमारियों के समान ही इस बार भी मौसमी बीमारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि इस मौसम में वृद्ध और बच्चों में बीमारी के हल्के लक्षण नजर आने पर उन्हें नीम हकीमों के पास न ले जाकर तुरंत अस्पताल में लाएं, जिससे उचित और सही समय पर इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले में वायरल बुखार फैला हुआ है, इससे बीमार लोगों में सर्वाधिक संख्या बच्चों की नजर आ रही है। पिछले 14-15 दिनों में ऐसे लक्षणों वाले कई बच्चे जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। सितंबर और फरवरी मार्च अप्रैल में बीमारी बढ़ती है और ये रूटीन है हर संस्थाओं में, चाहे सूरतपुर, अंबिकापुर, चाहे किसी भी जगह बच्चों संख्या इस सीजन में फ्लू के बढ़ती होती है। जैसे कि हमारे 5 साल का डाटा जो मैंने बीआरओ को दिया है उसके अनुसार ऐसा नहीं कि अभी इस साल बढ़े, 16-17 में भी 2 महीने में 517 मरीज थे, इस तरीके से 470 मरीज आपका 18-19 में थे और ये कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। फ्लू सर्दी खांसी सामान्य बीमारी है जो बरसात में फैलती है। चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों को विशेष रूप भर्ती करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि ट्रेकिया छोटी होने से इन्फेक्शन हो जाती है। इसे किसी तरीके से कोई बहुत ज्यादा स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, अलग बात है कि जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर नया जिला चिकित्सालय बना नहीं है, सीएससी में बना हुआ, तो बिस्तर की समस्याएं आ जाती है, तो उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो हमारा व्यवस्था कर लिया गया है, बच्चों को विधिवत एक अच्छे वार्ड में शिफ्ट करके उन्हें समुचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किसी तरीके कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। सब कार्य और सारे हमारे दो दो पीडियाट्रिशियन बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं और किसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा जिले के सभी लोगों को अपने इलाज कराएं, कोई घबराने की बात नहीं, ना ही कोई ऐसी बीमारी जिले में है जिससे पैनिक होने की जरूरत है। संचालक एपिडेमिक कंट्रोल डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों का इलाज कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। आजादी के लिए